अच्छा खासा चीप हुआ, पेट भर के मैंने ठूस के खा लिया है, क्योंकि कल से हम एक प्रॉपर एक डाइट पे जाने वाले हैं जो कि काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है। उसमें कोई चीट नहीं करना है, कम से कम 15 दिन तो बिल्कुल कुछ चीट नहीं होना चाहिए। और पूरे मोड में आ चुकी हूँ मैं, पूरी डाइट वाले फॉर्म में आ चुकी हूँ, मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लिया, इसलिए मैंने आज चीट कर लिया। मैंने कहा गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है डे नंबर, लास्ट डे है वीक नंबर 3 का। और पता है आपको, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कि लड्डू 12 बजे सोकर उठ गया था और वो सोया है सुबह 6 बजे, और मैं उसकी वजह से सुबह 6 बजे सोई हूँ। और आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, वेट, चलो वो मैं चलो एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने कल आपको बताया ना कि लड्डू का स्कूल है, आज से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं लड्डू वगैरह नहीं बना पाऊंगी, तो वेट आपको कुछ दिखाती हूँ। देख लिया आपने, इसका आज स्कूल था। तो जो बच्चा सुबह 6 बजे सोएगा वो स्कूल कब जाएगा, तो इसीलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ थायराइड वाला मेडिसिन ली है, मैंने अभी डिटॉक्स नहीं लिया है। और सोच रही हूँ पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद ही फिर डिटॉक्स वगैरह लेती हूँ। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद। आप सोए कब हो मम्मी? आप कितने बजे सोए थे? सुबह सुबह सोए हो। पता है आपको टाइम क्या होता जब आप सोए हो? 6:30 हो रहा था उस टाइम पर। टाइम जिस टाइम पर बच्चे स्कूल जाने के लिए उठते हैं उस टाइम पर आप निन्नी कर रहे थे। तो ऐसे स्कूल कब जाओगे आप? मम्मी मुझे ऐसे सो डाला। अब तुम, आपको मैं सेकंड शिफ्ट वाले स्कूल में डाल दूं जहाँ पे दोपहर में स्कूल जाते हैं? सुबह तो आप जा नहीं पाओगे आपकी वजह से। पता है मम्मा भी नहीं उठ पाई है, मम्मा भी आपके साथ पूरी रात जाग गई है। और अब मम्मा ने लंच भी नहीं बनाया पापा के लिए, पापा के लिए ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, खाना भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया मम्मा ने। गद्दू? गद्दू तो निन्नी कर रहा था सुबह, मम्मा भी फिर साथ में सुबह सो गई। अब बताओ, बैड मैनर्स ना। कल से टाइम पे उठोगे? कल से जल्दी उठोगे? टाइम पे सो जाओगे रात में? का बोला? तो मैं आ चुकी हूँ नहा धो के, घर के काम करके, और अभी टाइम है मील नंबर 1 का, फास्ट ब्रेक करने का। डिटॉक्स में ले चुकी हूँ ऑलरेडी, और आज रुक के मैं आपको दिखा देती हूँ क्या खा रही हूँ मैं मील नंबर 1 में। तो मील नंबर 1 में आज मैंने अखरोट, काजू, किशमिश और बादाम, मैंने सब चीज़ें आज सोख करके रखी हैं। तो चलो इसको निकालते हैं और इसको खाते हैं। तो दिस इज़ माई मील नंबर 1। टाइम है मील नंबर 2 का, मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। मील नंबर 2 में क्या है मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ऑमलेट, 2 अंडों का, पूरे अंडे हैं, वाइट और येलो दोनों पार्ट्स हैं, और साथ में है 2 छोटी वाइट ब्रेड, आप देख सकते हो कितनी छोटी है, और 2 ही ब्रेड है। साथ में मैंने ली है ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि नींद पूरी हुई नहीं है, नींद बहुत तेज़ आ रही है, पूरा दिन बचा है तो इसीलिए। तो चलो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो थोड़ा मीठा हो जाए आज, आज खा लेते हैं क्योंकि कल से तो हमें मीठा खाना ही नहीं है। तो कह रहा हूँ मम्मा को निन्नी आई है, बहुत सारी किसी कर दो। ठीक है मम्मी। हाँ है। जल्दी से किसी कर दो। ठीक है, और अब जाओ और ना डोर क्लोज कर देना। ठीक है ठीक है मम्मी। आई लव यू बेटा। चलो बाय। खाओ अब मम्मा निन्नी कर ले। वाह कैप्टन अमेरिका। उड़ रहा है। अच्छा ठीक है बाय। शाम होते होते ठंड शुरू हो जाती है, सो मैंने अपना ये पतला वाला स्वेटर निकाल लिया घर में पहनने वाला,
वैसे मेरे पास एक ही शौक है। सो बज रहे हैं 5 और ठंड लग रही थी तो मैंने अपना श्रग डाल लिया। चलो बाहर चलते देखते लड्डू क्या कर रहा है। पता है सोचने सो जाऊंगी लेकिन फ़ोन स्क्रॉल करते 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 5 बज गए, पता ही नहीं चला। मैं दिखाते दिखाते मुंह से निकल, छिछी क्या है ये? हाँ टॉफी खा रहे हो आप? छोड़ दो, खाने दो। ठीक है खाओ खाओ खाओ, कोई बात। तो आज हमने चाय नहीं पी है तो तलब लगी हुई है चाय की कि चाय पिए। वैसे मैं सोच रही हूँ आज चीट करने का क्योंकि कल से प्रॉपर हम 1 महीने की डाइट पर आने वाले हैं, जाने वाले हैं, मतलब आने नहीं वाले हैं। तो 1 महीने की का होगा तो उतना ज़्यादा चीट हो नहीं पाएगा, तो सोच रही हूँ कि आज लास्ट डे है तो थोड़ा बहुत चीट कर लेते हैं। चीट क्या होगा मुझे अभी नहीं पता है, फिलहाल मैं सोच रही हूँ अभी तो चाय पी जाए। और चाय के साथ आज मैं नमकीन खाने वाली हूँ क्योंकि आज के बाद फिर वो खा नहीं पाऊँगी। तो मैंने आज मिठाइयाँ भी मन भर के तो खा ली है, फिलहाल मन भर के तो नहीं, काजू कतली मेरी फेवरेट मिठाइयों में से एक है, वो अभी पूरा डिब्बा भर के रखा है, अभी हमने खोला भी नहीं है। एक्चुअली इसमें 2 जगह से काजू कतली आई थी और एक डिब्बा ही ख़त्म हो पाया है, सेकंड डिब्बा ही पूरा भरा पड़ा है। तो अभी कैसे कंट्रोल करूँगी मैं खुद पर? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि जब आपके घर में, जब आप डाइट पर हो तभी ऐसी चीज़ें आती हैं जब जो आपकी वन ऑफ द फेवरेट होती हैं, तब आप क्या करते हो? मुझे कमेंट करके बताना। और लेकिन हम करेंगे, अच्छे से करेंगे कल सब कुछ, पूरी डाइट अच्छे से करेंगे। तो चलो चाय बनाते हैं और चाय के साथ कुछ खाते हैं। वैसे आज लास्ट है ना, ये सोच के खा लेते हैं और उसके बाद तो मतलब। और हाँ पता है किसी ने गिफ्ट में, ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट में हमें ये वाली टॉफ़ी दी थी, कैडबरी के एक्लेयर्स। ये पता है बहुत अच्छी लगती है, स्कूल टाइम से मैं खाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद थी ये। ये भी खा लेते हैं चाय बनाते बनाते। मुझे ऐसा लगता है ना कि चाय हर किसी के घर में बनती होगी, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे चाय ना बनती हो। ये रही मेरी गर्मा गर्म चाय, पीले ले लूँ पीले, कल से चाय नहीं मिलेगी। नहीं वैसे मना नहीं किया है, कुछ ज़्यादा बन गई है, कम कर दो भाई। इतनी ठीक है। चाय के साथ मैंने ली है ये नमकीन, ये ना मक्के की नमकीन है, बहुत ही टेस्टी लगती है। मतलब ये नमकीन ऐसी नमकीन है ना, दिखने में बहुत सादी है लेकिन आप इसे खाने बैठो ना तो आप रुक नहीं सकते हो, कंटिन्यूसली खाते रहोगे ये वाला सीन है। और साथ में ये 2 बिस्किट्स लिए हैं, ये प्योरली आटे के हैं लेकिन इसमें चीनी है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि शुगर फ्री बिस्किट्स हैं। यार आज चीट कर रही हो, मैं तो फिर ढंग से कर लो, अब चीट कर ही रहे हैं तो ढंग से कर लेते हैं। और डिनर भी मेरा आज कुछ चीट ही होने वाला है, और क्या होगा मुझे अभी नहीं पता, अभी हस्बैंड से बात करती हूँ, उन्हें भी कुछ चीट करने का मन होगा, मतलब उनका तो डेली का ही होता है, वो तो कभी भी कुछ भी खा सकते हैं। तो अगर उनका जो मन होगा वो देख लूँगी या फिर मैं अपने लिए कुछ देखती हूँ क्या होता है, वो आपको आगे पता चलेगा। तो शाम की पूजा हो गई है, लड्डू का दूध बॉइल करूँ। अरे टिफिन आप लोग देख लोगे ना, जब मैं अपने दिवाली के बाद भाई दूज वाले दिन हम लोग इन-लॉज के यहाँ गए थे, मैं मेरे हस्बैंड मेरा बेबी और उनका कज़न, जो हस्बैंड का कज़न है, हम लोग गए थे। तो मेरी मदर ने टिफ़िन पैक करके दिया था कि जाकर अब खाना बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहाँ खाना बन ही रहा था। तो ये वही टिफ़िन है, मैंने इसलिए बाहर रखा कि कोई बाई चांस आ जाता है तो सामने रहेगा तो उनको वापस कर पाऊँगी, इसीलिए बाहर ही रखा हुआ है। तो दूध गर्म करते हैं, हस्बैंड से पूछती हूँ डिनर का क्या प्लान है, उसके बाद डिनर बनाएंगे या डिनर क्या होगा मुझे भी नहीं पता फिलहाल तो। और एक चीज़ और कि मेरा जो गोल है ना वेट लूज़ का,
मैं फिलहाल चाहती हूँ कि मेरा वेट 50 केजीज हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि इसी साल 2022 में ही मैं 50 केजी हो जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रिजुता वैन के अकॉर्डिंगली भी हमें हमारा जो टोटल वेट होता है ना उसका 10% ही लूज़ करना चाहिए, वही एक हेल्दी वे में आता है। अगर आपका वेट धीरे धीरे लूज़ हो रहा है और साल भर में आपका 10% लूज़ करते हो तो इट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है कि आपने एक हेल्दी वे में अपना वेट लूज़ किया है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम लोग वेट ज़्यादा लूज़ कर लेते हैं ना तो उसके बाद हमारा बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला हेयर फॉल होने लगता है, फेस का ग्लो चला जाता है। तो हमें इतनी मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि मुझे इसी साल में अपना खुद को 50 केजी लाना है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना लाइफस्टाइल और अपनी खुद की बॉडी को उस तरह का कर दूँ ना कि जब मैं डाइट पर ना भी हूँ तो मेरा वेट वापस से बाउंस बैक ना हो। मतलब मैं सब कुछ खाते हुए अपना वेट लूज़ करना चाहती हूँ, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो लाइफस्टाइल वाली चीज़ें हैं उनको चेंज करना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग ठूस ठूस के खा लेते हैं, टीवी लेके बैठते हैं और बातों में लग जाते हैं और फिर हम इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हम ओवर ईट कर चुके हैं। तो उन सब चीज़ों को मैं चेंज करना चाहती हूँ। रुजुता मैम का एक जॉर्डन फार्मूला जो है वो मुझे इतना पसंद है, मुझे इतना प्रैक्टिकल लगता है ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हम लोग पोर्शन कंट्रोल के पीछे भागते हैं तो पोर्शन कंट्रोल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, पोर्शन कंट्रोल बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं, भूख लग रही है आपको तो आप दाल और सैलेड ज़्यादा खा लो, रोटी और चावल कम करो, कार्ब्स कम कर दो। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें अपनी भूख दाल और चावल से ही ख़त्म करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने कटोरा भर के दाल ले ली है और सब्जी ले ली है, सिर्फ हमने सैलेड ले लिया पूरा प्लेट भर के और हम खाना थोड़ा खा रहे हैं, चावल थोड़ा खा रहे हैं, रोटी एक खा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमें तब तक खाना है जब तक हमारी भूख ख़त्म ना हो जाए। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें कब तक खाना है, तो उसके लिए आपको जॉर्डन फार्मूला अपने लाइफ में लाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। वही एक राइट वे है आपका वेट लूज़ होने का, आप तभी वेट लूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए बहुत हो गई बातें, दूध बॉयल कर लेती हूँ, हस्बैंड को पूछती हूँ डिनर का क्या प्लान है, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। ठीक है जल्दी जल्दी होमवर्क करो बेटा। ठीक है। ठुको वाली पप्पी चीची क्या है ये? ठुको वाली पप्पी गीली गीली पप्पी गंदा चीची। मैं फिर से दो नहीं अब होमवर्क करो जल्दी जल्दी। स्कूल तो नहीं गया था लेकिन हाँ व्हाट्सएप पर इनका एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें डेली क्लास वर्क और होमवर्क क्या है वो आता है। तो मैंने कहा चलो क्लास वर्क नहीं किया, होमवर्क करा ले, है ना लड्डू? हाँ। तो लड्डू अपना होमवर्क कर रहे हैं। टीवी नहीं छेड़ना है, ठीक है? आप जल्दी से होमवर्क फिनिश करो, मैं से होमवर्क करा लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। ये है, ये मैसी सी जो प्लेट है ये मेरा डिनर है, इसमें है 2 रुमाली रोटी और ये है चिकन मसाला और ये पता नहीं कौन सा चिकन है मुझे नहीं पता, ये है सैलड। तो ये है मेरा डिनर। अब चीट कर ही रहे हैं तो ढंग से चीट कर लेते हैं। तो अब मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ डिनर करने के बाद। सो गाइज, बहुत सारी चीट करने के बाद, मतलब बहुत सारी तो नहीं लेकिन हाँ, इवनिंग स्नैक्स और मतलब इवनिंग स्नैक्स क्या है, शाम की चाय और फिर डिनर, ये दो में काफ़ी चीट हुआ है, मतलब अच्छा खासा चीट हुआ है। पेट भर के मैंने ठूस के खा लिया है क्योंकि कल से हम एक प्रॉपर एक डाइट पे जाने वाले हैं जो कि काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, उसमें कोई चीट नहीं करना है। कम से कम 15 दिन तो बिल्कुल कुछ चीट नहीं होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू डाइट ही हमें सब कुछ करना है। पूरा एक दिन पहले ही प्लान कर लेंगे कि हाँ आज हम, कल हमें ये चीज़ें करनी है, कल हमें ये खाना है, तो उसकी पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे। और आप लोगों ने क्या ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली है मेरे साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। हाँ, लेकिन आज मैं पिंक सॉल्ट मंगवाने वाली थी लेकिन मेरे दिमाग से उतर के और मैं मंगवा ही नहीं पाई हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कल मंगवा लेंगे, ऑनलाइन हर जगह से एक दिन की डिलीवरी में आ जाता है। तो थोड़ा सा बता दूँ, फैट टू फैट का जो डाइट है ना उसके अंदर जो चीज़ें उन्होंने बोली है ना उसमें कई ऑप्शंस दिए हैं, सिर्फ हमें उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। उसके अलावा आप बाहर से कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं ले सकते हैं या उसकी क्वांटिटी भी कम नहीं कर सकते। जितना उन्होंने बोला है कि अगर लंच में उन्होंने चीलास बोले हैं तो फिर हमें लंच में चीला ही खाने, रोटी नहीं खा सकते हैं, राइस नहीं खा सकते हैं। डिनर में उन्होंने सूप्स बोले हैं तो हमें डिनर में सिर्फ सूप्स ही लेने हैं, ऐसा नहीं करना है कि हम वाइट ब्राउन राइस ले लें या हम किनुआ ले लें या हम दलिया ले लें, ऐसा नहीं है। उन्होंने डिनर में सिर्फ और सिर्फ सूप्स बोले हैं तो हम वही लेंगे। और बस, तो फिलहाल
पूरे मोड में आ चुकी हूँ, मैं पूरी डाइट वाले फॉर्म में आ चुकी हूँ, मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लिया, इसलिए मैंने आज चीट कर लिया। मैंने कहा फिर ना क्या होता है उसके बाद ना, फिर हमारा जब मन करने लगता है, जब हम किसी रिस्ट्रिक्टिव डाइट पे जाते हैं तो ज़्यादा मन करता है, ज़्यादा क्रेविंग होती है कि यार ये खा लेते, यार ये नहीं खाया बहुत दिनों से, यार वो नहीं खाया बहुत दिनों से, तो इसीलिए वो हो जाता है। तो इसीलिए मैंने आज जो मेरा मन था वो मैंने खा लिया है। अब मुझे कम से कम 15-20 दिन तो क्रेविंग नहीं होगी कि मुझे बाहर का खाना खाना है, या मुझे बाहर से रोटी खानी है, या बाहर की सब्ज़ी खानी है, या चिकन खाना है, या जो भी खाना है, या चाय के साथ नमकीन खानी है, तो वो सब आज इच्छा पूरी हो चुकी है। आज मुझे तृप्ति मिल चुकी है, मैं एकदम तृप्त हो चुकी हूँ अंदर से। तो बस अब कल से, कल है नवंबर का फर्स्ट डे, और कल से स्टार्ट होने वाला है हमारा नवंबर डाइट प्लान, नहीं नवंबर डाइट चैलेंज, या ये ठीक है, ये नाम अच्छा है। तो नवंबर डाइट चैलेंज हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, वेट लॉस चैलेंज हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है। ऐसे 30 डेज़ का है, लेकिन हम मैंने आपको कहा था कि मैं शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलती हूँ हमेशा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मैं फिर बोर हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेशन होने लगती है यार पता नहीं क्यों। तो मैं शॉर्ट गोल्स लेके चल रही हूँ, वीकली गोल्स लेके चल रही हूँ। तो पर वीक का जो मेरा वेट होगा, मतलब पर वीक का जो डाइट होगा ना, वो उस मुझे छोटा टारगेट जब रहेगा ना कि इतना सा गोल है, इतना ही करना है, तो ये कर लूँगी, देन उसके बाद यहाँ पहुँच के फिर लगेगा अब इतना ही और रह गया, इतना कर लूँ, करते करते फिर मैं ईजिली जर्नी खो जाती है। लेकिन अगर पहले से पता हो यार इतना दूर जाना है, 30 दिन का डाइट है, तो ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार 30 दिन ना हो पाएगा। तो बस इसीलिए मैं इसलिए शॉर्ट टर्म गोल लेके चलती हूँ, वीकली गोल्स लेके चल रही हूँ। तो कल से वो चीज़ स्टार्ट होगी, और जो भी नई मुझे लगेगा ना कि ये रेसिपी कभी मैंने ट्राई नहीं की है, आप लोगों को ट्राई करनी चाहिए, मैं ट्राई करी तो आपको भी ट्राई करना चाहिए, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर लूँगी और एज अ शॉर्ट वीडियो, यूट्यूब शॉर्ट वीडियो आप लोग मैं पोस्ट कर दूँगी। जैसे कि मैंने कल की डाइट के लिए आंवला के लड्डू बनाए हैं, तो उसकी मैंने रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है, जिन्होंने नहीं देखी है जाके देख लो। और वो मील नंबर 3 होने वाला है हमारा, ब्रेकफास्ट के बाद वाला मील होने वाला है, मील नंबर 3 नहीं, मील नंबर 2 ही होगा, क्योंकि इसमें इन्होंने उठते के साथ में ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स लेने को नहीं बोला है, डिटॉक्स लेने को बोला है। तो बस, तो कहीं ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि कल की वीडियो में जो होने वाला सब आज ही बता दूंगी, तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना, फिर कल क्या देखोगे आप। तो गाइज अब करती हूँ इस वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो एडिट भी करनी है, क्योंकि जब मैं चश्मा पहन लूँ ना तो समझ जाओ कि मैं काम करने वाली हूँ लंबा। तो अभी बज रहे हैं 12:30, तो सोच जल्दी जल्दी अपनी वीडियो एडिट कर लूँ, वीडियो एडिट करके मैं अपलोडिंग में लगा देती हूँ, और मैं फिर सो जाती हूँ, क्योंकि फिर सुबह जल्दी लड्डू को स्कूल भी भेजना है। लड्डू फाइनली सो चुका है, और वो अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है, 12 बजे के अराउंड सोया है। तो मैंने सोचा कि चलो, पता है ऐसे जल्दी सुलाने का मतलब है कि फिर वो रात में किसी भी टाइम उठ जाता है, फिर सुबह तक वो जागता रहता है। तो अब मैंने सोचा कि जिस टाइम हम लोग सोएंगे ना, हम लोग थोड़ा ट्राई करेंगे कि थोड़ा जल्दी टाइमली सो जाए, लेकिन जिस टाइम हम लोग सोएंगे ना उसी टाइम पर उसको भी सुलाया करेंगे, ताकि वो सुबह ही उठे फिर डायरेक्ट। तो अब करती हूँ इस वीडियो का एंड, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और अब मिलूंगी आपसे कल विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू डाइट, विद अ न्यू मंथ, विद अ न्यू स्माइल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।